नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मार्केट के आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। डे 33 की एडवांस बुकिंग की कलेक्शंस यहाँ पे भैया आ चुकी है और यहाँ उनका जो अर्ली एस्टिमेट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है पठान का। उसी के साथ सेल्फी का डे 3 का एडवांस बुकिंग और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का यहाँ पे जो अर्ली एस्टिमेट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भैया डे 33 तक कोई मूवी टिकती ही नहीं है, लेकिन पठान एक ऐसी मूवी है जो कि आज तक अपना जो एक रिकॉर्ड है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। उसी के साथ यहाँ पे जो अक्षय कुमार की फिल्म है सेल्फी, उसकी परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे भैया टक्कर देने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे कहाँ तक यहाँ पे जो है वो भैया एडवांस बुकिंग और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अर्ली एस्टिमेट आ चुकी है, उसके ऊपर डिटेल के अंदर बात करते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक छोटी से लेकर बड़ी अपडेट हर एक मूवी के बारे में टाइमली आपको मिलती रहे। अगर हम बात करें भैया पठान की 33 डे यानी कि भैया संडे वाले दिन की आज की यहाँ पे भैया एडवांस बुकिंग और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अर्ली एस्टिमेट के बारे में, तो आज के दिन भी 2.5 करोड़ रुपए का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है और यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए पठान आज यहाँ पे संडे वाले दिन कमाने वाली है। उसी के साथ अगर हम बात करें सेल्फी के बारे में तो यहाँ पे डे 1 के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि 2.5 करोड़ रुपए की यहाँ पे कमाई की थी और यहाँ पे डे 2 वाले दिन यहाँ पे जो है वो भैया जो कमाई की थी वो थी 3.8 करोड़ रुपए की। और आज यहाँ पे आज के दिन डे 3 वाले दिन यहाँ पे जो लिखकर के आ रहा है नंबर्स वो है यहाँ पे 3.8 करोड़ का। और यहाँ पे जो है वो टोटल अगर उसके हम टोटल अगर यहाँ पे भैया हिंदी बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे मूवी जो है वो 4.5 करोड़ रुपये का अर्ली एस्टिमेट बता रही है जो कि यहाँ पे बहुत ही जल्द आ जाएगा नंबर्स। और इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे भैया पठान काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे एक महीने गुजरने के बाद भी जो यहाँ पे पठान की हाइप है वो अभी तक बरकरार है। लोग आज तक इस मूवी को पसंद कर रहे हैं, लोग भर भर के जा रहे हैं थिएटर्स के अंदर और इससे ये साबित होता है कि भैया SRK जो एक सुपरस्टार है और यहाँ पे बॉलीवुड की जान है वो कहीं ना कहीं अभी तक बॉलीवुड को जिंदा करके रखे हुए हैं। बाकी रीमेक बनाने वाले हैं और यहाँ पे भैया जो यहाँ पे एक साल के अंदर 10-10 मूवीज देने वाले वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस के शिकार बन रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है पठान के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक छोटी सी लेकर बड़ी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलता है कंटेंट के साथ, ख्याल रखिएगा। हमें हरे कृष्ण।